जिला हरदा और देवास के कई लोग कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के तत्वावधान में सीएम ऑफिस के घराव करने जा रहे थे, मगर पुलिस ने इन्हें कांग्रेस कार्यालय से आगे नहीं जाने दिया। जिला अध्यक्ष महेश नंद मेहर ने सरकार पर आरोप लगाया कि सत्ता में भाजपा सरकार आते ही अनुसूचित जाति वर्ग के साथ अत्याचार शुरू हो जाता है। हाल ही में हुई तेज बारिश में नर्मदा नदी के किनारे बसे समस्त गरीबों के आशियाने, खाद्य सामग्री, कपड़े तक बह गए, जिसे भाजपा की सरकार ने पल्ला झाड़ते हुए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा मुआवजा दिया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि क्षतिग्रस्त ग्रामवासियों को 1 लाख का मुआवजा दिया जाए, साथ ही कुटीर के लिए 2,50,000 रुपए खाते में डलवाए जाए। जो सारे लोग हैं, खाते गांव कन्नौज के लोग हैं, देवास जिले के लोग हैं, और सारे के सारे लोग ये बाढ़ प्रभावित लोग हैं, इनको वहाँ के क्षेत्रीय विधायक और टिमन्नी का विधायक कमल पटेल, जो कृषि मंत्री है आशीष शर्मा, विधायक है खाते गांव कन्नौज देवास का, उनने इन दलित बस्तियों में सर्वे करने से रोका गया। रोकने के बाद उनको सर्वे नहीं होने दिया। इनको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा नहीं मिला। 50-50 किलो सड़ा अनाज गल्ला उनको मुआवजे के उनको दिया। वो जो खा नहीं सकते थे, जानवर नहीं खा सकते थे, इस गरीब अनुसूचित जाति के साथ में इतना अन्याय। हम मांग ये पैदल चलकर आए हैं, और ये मांग जिला कांग्रेस कमेटी की करती है कि इन गरीब लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और मैं धिक्कारता हूँ शिवराज सिंह चौहान तुम्हारी कार्यकाल पे कि आपने 15 साल की सरकार आपकी रही और अभी वर्तमान में है, आप कुटीर का पैसा नहीं दे पाए। आप गरीब अनुसूचित जाति के लोगों को 15 साल के बाद कुटीर का पैसा नहीं दे पाए, और आप कहते हो मैं इनका मामा हूँ। धिक्कार है ऐसी आपकी सरकार पे, धिक्कार।